अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी उसामा बुरचा विद अ न्यू वीडियो। और आज की हमारी टॉपिक है आइट्स का, लिसनिंग के भी एज लाइक अदर इसके भी नौ बैंड्स होते हैं और इसमें भी चार पार्ट्स होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं, सेम लाइक रीडिंग वही स्टफ है। क्वेश्चन आंसर आपके फिलिंग ब्लैंक्स होंगी, क्वेश्चन आंसर में आपके ट्रू फॉल्स होंगे, नॉट गिवन होंगे और उसके बाद आपके एमसीक्यूज होंगे और कभी कभार हो सकता है वो लेबलिंग आ जाए लेकिन आती नहीं है। बाहर उसमें आपने सिर्फ जो लिसनिंग है आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस ही कहते हैं ना, प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट। लिसनिंग के लिए जो मैं आपको टिप दूंगा वो ये कि आप बीबीसी न्यूज़ सुनो, रोज़ाना सुनो, एटलीस्ट रोज़ाना 30-35 मिनट सुनो और एट द एंड ऑफ द डे आप एक मंथ में अगर करना चाहते हो तैयारी आपकी आसानी से हो जाएगी। 30-35 मिनट आप रोज़ अगर देते हो इसको तो आसानी से तैयारी हो जाएगी। और अगर आप मेरा प्रो रूल पूछना चाह रहे हो तो भाई सीज़न देखो, क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ सीज़न देखो और टीवी शोज देखो, रियलिटी शोज देखो इंग्लिश में, वो आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। भाई शक ना करना, डोंट जज मी, तो ऐसे वैसे नहीं होते, अच्छे होते हैं। वो देखो, इंग्लिश शोज देखो, बीबीसी न्यूज़ सुनो, 30-35 मिनट्स मोर देन एनफ है, आपको समझ आ जाएगा। उससे आपका ये होगा, आपका लिसनिंग का स्टेमिना बन जाएगा। आप ऐसे होता है कि जब वो बोलते हैं ना तो जो हम इंग्लिश बोलते हैं उनकी इंग्लिश वैसे नहीं होती, तो हमें कई दफ़ा उनकी समझ नहीं आती। और जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो वो आपको पहले हेडफोन्स देते हैं, आपके कानों पे लगते हैं हेडफोन, वो आपको देते हैं, आपको चेक करवाते हैं। वो आपने तब गौर से चेक करना है उनकी, जब वॉइस एडजस्ट का यहाँ पे उनका दिया होता है ऑप्शन, आपने उसको देख लेना है कि ये भी आपको सही समझ आ रही है। उसमें कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो ज़्यादा ऊँची होती है, ज़्यादा लो होती है, आपने उसको खुद एडजस्ट कर लेना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रेज़ योर हैंड, एग्जामिनर को कहेंगे मुझे चेंज करें या जो भी उन्हें बताएं, क्योंकि बाद में अभी कोई नहीं सुनेगा जब आपका एक दफ़ा आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, आपने एग्ज़ाम से पहले ये सारे सीन करने हैं। अच्छा, वो आपको हेडफोन चेक करवा देंगे और फिर वो सीट लगाएंगे। जब आप लिसनिंग कर रहे हो तो भाई ये याद रखना है कि जो आपने जो वॉइस चल रही है आपने उसको फॉलोअप करना है, उसको नहीं जाने देना भाई हाथ से, उसको जाने दिया आपके बैंड्स गए और जो भी आपने 43,000 दिया वो गया, क्योंकि वो रिपीट नहीं करेंगे। वो आपको बार बार बताते भी हैं, आपके एग्ज़ाम में भी आपको आपके टीचर्स ने बताया होगा कि जो लिसनिंग में आपके एक दफ़ा वो जो सी साउंड है वो चली गई, वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आसान होता है, आप सिर्फ उसको थोड़ा फोकस करो, जैसे मैंने बताया सीरीज देखो तो मज़ा भी आएगा और आपको समझ भी आ जाएगी। सीरीज देखो और इंग्लिश बीबीसी न्यूज़ देखो, तो उसमें आपने उसको जाने नहीं देना हाथ से। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन स्किप हो गया, आपका आप एक क्वेश्चन पे थे, आप पिछला लिख रहे थे या उसको मेंशन कर रहे थे, वो स्किप हो गया, तो उस पर बैठे नहीं रहना, अटके नहीं रहना, क्योंकि आप उस पर अटके हुए, वो वॉइस नहीं अटकी हुई, वॉइस आगे चली गई है, उसको छोड़ो आगे चलो, वॉइस को फॉलोअप करते रहना है, आगे चलो। और साथ साथ ये आपने जो साथ साथ लिखना है, आप कोशिश करो कि आप जो आपको एग्ज़ाम शीट मिली है, आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, आप उसी के ऊपर, क्योंकि गंदा गंदा लिखते हैं जल्दी जल्दी, तो आप उस पर लिख लो। वॉइस को जितनी तेज़ नहीं चाह रही होती है, आसान आसान चाह रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता चाह रही होती है, आपने ऐसे करो कि साथ साथ ना उसको लिखते रहो आंसर एग्जाम शीट पे। कुछ लोग होते हैं वो सीधे ही आंसर शीट पे लिखते हैं, वो वहाँ गंद मारते हैं, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो साथ साथ आंसर शीट पे लिख लो। एंड एट द एंड आपने ये इसको लाजमी इस चीज़ को आपने देखना है कि आपने जो जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं वो सारे आपने आंसर शीट पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और गुड लक, विश यू गुड लक, कोई भी क्वेश्चन हो DM मी या नीचे कमेंट कर दो, मैं एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ। गुड लक।